आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। आज 4 अगस्त को ग्लोकार किशोर कुमार की 92वीं सालगिरह है। किशोर कुमार बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, जो प्लेबैक सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन राइटर, कंपोजर के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश 4 अगस्त 1929 को खांडवा में हुई। अभास कुमार गंगोली नाम रखा गया था। इनका ताल्लुक बंगाली ख़ानदान से था। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। पहली शादी बंगाली अदाकारा और गुलोकार रोमा घोष, दूसरी शादी बॉलीवुड अदाकारा मधुबाला, तीसरी शादी बॉलीवुड अदाकारा योगिता बाली, चौथी शादी लीना चंद्रावाकर से हुई थी। इनके 2 लड़के हैं, अमित कुमार और सुमित कुमार, दोनों भी गुलोकार हैं। अपना कैरियर गुलोकार की हैसियत से शुरू करने जब मुंबई पहुंचे, तब अपना नाम अभास कुमार गंगोली से तब्दील करके किशोर कुमार रख लिया। 1946 से 1987 तक फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया। 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स, 4 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स हासिल किए। इनकी मशहूर फिल्में पड़ोसन, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और दूर गगन की छाँव में सहरे फहरिस्त है। अपनी आवाज़ और अदाकारी से सबका दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार हार्ट अटैक की वजह से 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया से चल बसे। मंगलहाट के इलाके में मौजूद एक प्लाईवुड के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि प्रकाश थिएटर के करीब मौजूद एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और आगफरू अमले ने मौके वाकया पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नुकसान का अंदाज़ा लगाया ना जा सका। पुलिस ने एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेरा प्रकाश थिएटर में मारुति दोस्त के नाम से शॉप है। 8 बजे 8:15 बजे के लगभग हम घर को जा रहे थे, तो ऊपर चेक करके आए, तब तक कुछ भी नहीं था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में कोई बोला ऊपर फोग आ रहा बोल के, तो ऊपर जाके देखे तो पूरा फोग भरा हुआ था और फायर हो गया। पूरा मेरे डोर से प्लाईवुड से 50 लेंथ से पूरा जल के ख़त्म हो गया पूरा। कितने साल से आप लगाए थे यहाँ पर? यहाँ से पिछले 2 साल से चल रहा। अभी आपका जो पर तो कोई भी नहीं जाता, अंदर से रास्ता है, हो सकता है 99% बोले तो 100% ही शॉर्ट सर्किट ही हुआ। आप लोग कहाँ थे वो टाइम पे? जी सर, आप लोग कहाँ पर थे वो टाइम पे? हम नीचे ही थे सर। वहाँ पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, ऐसा कोई ऊपर भी नहीं गया, अपन खुद ही थे। खाली हम 4 मेंबर थे, एक को ऊपर चेक कराया हमें, एक डिजाइन का पेपर उन चेक करके नीचे आके बोला चलेंगे बोल के, सडनली बोला कोई फोग आ रहा बोल के, जाके देखे तो पाइप के टाइम पे एज ए कारपेंटर मेरे को फ़ोन आया कि यहाँ पर प्रकाश टाकी जो पुराना ऐतिहासिक प्रकाश थिएटर था भोईगुड़ा के समीप बिल्कुल, पुराना पुल रोड टू भोईगुड़ा मंगला टाउन के समीप बिल्कुल, यहाँ अग्नि दुर्घटना हुई। ये मारुति प्लाईवुड का गोडाउन था और साथ ही साथ रेडीमेड डोर्स थे यहाँ पर शाम में लेबर पूरा जाने के बाद एक वॉचमैन था और वॉचमैन के साथ और एक आदमी अटैच था। वो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ उसका भी पता नहीं चला। इमीडिएटली वो लोग बाहर निकले, बाहर निकल के उनके ओनर्स को फ़ोन करे, उनके ओनर से एक यादव साहब मेरे को फ़ोन करे, ऐसा ऐसा फायर हो गया हमारे दुकान में, ट्रेजेडी हो गया। तो इमीडिएटली मैं फायर इंजन को फ़ोन करा, इमीडिएटली फायर इंजन आया। उसके बाद 2-3 बार फिर फ़ोन करा मैं, एक फायर इंजन से काम नहीं होता, कम से कम 4 फायर इंजन हुआ। वो तो इमीडिएटली गोलीगुड़े से फायर इंजन रवाना होकर यहाँ पर आए। जब तक अभी 90% पूरा कंप्लीट काबू पा लिए। ये राजा सिंह MLA साहब का एरिया था, गोशामेल असेंबली और मेरा गोशामेल डिवीज़न, जो प्रकाश टाकीज जो ऐतिहासिक प्रकाश टाकीज है, यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। जान का तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, माल का बहुत नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होगी। ये शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं, उतना आइडिया नहीं है कितना लॉस हुआ, लाख साफ रुपीस, करोड़ साफ रुपीस का नुकसान हुआ। प्लाईवुड कास्टली डोर्स थे
और ब्लैक शीट से, इसलिए अंगार पिकअप एकदम पिकअप पकड़ा और बुझाने के लिए अग्नि जो अग्निदल है और ACP यहाँ पर नरेंद्र रेड्डी साहब इमीडिएटली आ गए, मंगराट सर्कल इंस्पेक्टर रणवीर रेड्डी साहब और इनका स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CI वेंकटेश्वर साहब भी यहाँ पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और मैं यहाँ पर उपस्थित है। जैसा मालूम हुआ 5 मिनट में यहाँ पर उपस्थित है, पूरे कार्यकर्ता भी हेल्प करे और जो सो ये जो दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना टली है। नाजरीन, आए दिन शहर हैदराबाद में छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट या फिर कत्ल व गारतगिरी के वाकयात में इजाफा होता ही जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले एक पेट्रोल पंप पर पेश आया। बताया जाता है कि पेट्रोल को बॉटल में भरने के लिए कहा गया, जब पेट्रोल फिलर ने सब्र करने को कहा तो पेट्रोल पंप पर हंगामा मच गया और मारपीट की गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर मंगलहाट पुलिस ने वाकये पर पहुंचकर तफसीलात का जायजा लेते हुए जमा हुए अफराद को मुंतशिर कर दिया और जख्मी को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आइए डालते हैं एक नजर इस पूरे मामले पर। मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या बोलूं, तुम्हारा अपना बोल रहे, पावर कितना है बता रहे ना, मैं बताऊंगा पावर, देख ले अरे बस्ती के लोग क्या बेटा, भाई क्या करे, कार्ड लेके चिल्लर दे बोले तो बॉटल लेके आओ बोल के बोला। कौन बोला? वही चटनी आया बोला, भाई बॉटल तो आप पीछे ले लो, बोल डाल दे तो तेरी माँ पूछे देता हूँ करता हूँ। तो इनके भाई ओनर है कि मैं डाल रहा हूँ, बोल के गन लगाए लगा दी, कैसा दार आ रहे ने तेरी माँ की, बोल के मेरा गला पकड़ के गुंडिया तोड़ दे के निकल गया, मेरे को ठिकल गया, लात मारा तो सेठ बोले कहीं क्यों मार रहे, मैं दार हूँ ना, बोले तू कौन रहे भाई निकले, बोल के उसको मारे, मार गए के बाद उन्होंने क्या बोले, चल PS की कल कंप्लेन कर दो तेरे ऊपर, बोले सेठ बोले तू चल इनके साथ बैठ के जा, बोल के बोले पीछे आ रहे थे, बोला क्या करें मांगल बस्ती के ले जाएगा, तू नीचे डाल के 2-3 जने वहाँ मारे, पत्थरे फेंक रहे थे, भाग लेते फिर यहाँ, फिर वहाँ हवा के मीटर कन डाल के मेरे को फिर मारे साहब, मांगड़े थे पूरे 25-30 जने आए, फिर मारे उन लोग। क्या नाम तुम्हारा? शेख अवेश नाम है साहब मेरा, शेख अवेश, शेखर, शेख अवेश। कितने जने थे मारे वाले? 15-20 जने थे साहब, पूरे पूरे मांगड़े हैं, मारे पूरे नीचे लिटा के पूरे मांगड़ बस्ती के, KP फिल पॉइंट पेट्रोल पंप मल्लेपल्ली नोबल टाकी चौरस्ते का पार्टनर हूँ। कल जो वाकया हुआ है मल्लेपल्ली चौरस्ते पे 9 बजे पेट्रोल पंप पे, एक छोटी सी चीज़ का एक बड़ा इशू बना दिया है और जो है ना कुछ बड़ी कैश लेके जो है ना वो लोग भाग गए करे, वो सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। एक की अरेस्टिंग हो गई है, 2-3 बंदे थे वो जो गड़बड़ करे बॉटल में पेट्रोल डालने के लिए, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो छोटी सी जो है लड़ाई बड़ी हो गई, लेकिन जो है ना मंगलहाट PS के SI और कांस्टेबल्स आके जो है ना उसको ठीक कर दिए और आज भी जो है ना जो भी गड़बड़ किया है उसकी अरेस्टिंग हुई है। और जो है ना मेहरबानी करके वीडियो हमारे पेट्रोल पंप का वायरल मत करिए और जो है ना रूमर्स मत फैलाइए, शहर का वातावरण ख़राब मत करिए, मेहरबानी करता हूँ मैं मीडिया वालों से और आवाम से कि जो है ना व्हाट्सएप न्यूज़ और जो है वीडियो वायरल मत कीजिए, शुक्रिया। खैरताबाद में एक पुलिस की एक स्कॉट गाड़ी में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। किसी जानी नुकसान के तला नहीं है क्योंकि पुलिस अमले जो गाड़ी के अंदर थे आग लगने के बाद नीचे उतर गए। उन्होंने फायर फाइटर्स को आगाह किया जो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। इस वाकये की वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जमा रही। बादजां पुलिस ने जली हुई गाड़ी को हटा दिया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया।
खुदुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने आज जीएचएमसी अहदेदारों के साथ श्रीनिवास नगर और दिगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए जेरे इल्तवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कृष्णा चेतनिया, एई सुरेंद्र नायक, कॉलोनी प्रेसिडेंट प्रभाकर, नरेंद्र रेड्डी, मल्लेश्वर राव और दिगर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले राशन कार्ड्स की तकसीम आज रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ के हाथों रहमत नगर के एक फंक्शन हॉल में 414 अफराद में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर सी एन रेड्डी, डिवीजन प्रेसिडेंट नागराज के अलावा टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। बोगा मीना, बोगा नवीन कुमार, बोगा श्रियांशी, पार्टी सौजन्या, के वेंकटेश, के निरुपमा, के वीणा, तिरुमणि, नाव तेजस्वी, जनपल सरिका, जे नागराजु, वड्डे शिवलक्ष्मी, तुम्मल साई कृष्णा, सकली बोल रणमरण तस्लीम बेगम, मोहम्मद अफरोज, बहराज निशा, मोहम्मद साबिर अली, शहनाज बेगम, शेख रजाक, शहनाज बेगम, हीना शहजादी, नंदिनी, कुंजना आंजने श्री, निर्मला, नल्ला राजकुमार, कुमारी, सी एच पति शिवनागराजा, सलादी वेंकटरमण, सरुता वेमुला प्रसाद, अदुला केशम्मा, अदुला राम, हनुमंतु राघवनी, हनुमंतु रमेश, शिव पार्वती सर, जसरथ फातिमा, समरिन कैसर, एस उषा, एस रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद बाशा खादरी ने आज दबीरपुरा के इलाके का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस ज़ेरे इल्तवा कामों को जल्द से जल्द तकमील किया जाए। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
अरे कंस्ट्रक्टर तो अब तक क्यों नहीं करे भाई आप? ऐसा चल रहा है काम, कहाँ चल रहा है ऐसा काम चल रहा है? दो महीने से यहाँ पे तकलीफ दे रहे हैं लोगों को, क्या करें? नाजरीन आप देख रहे थे एआरटीवी पर सैयद शाह के साथ खबरनामा, तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली अवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमजोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BIPC, CEC, MEC कोर्सेज दस्तियाब, MCET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तियाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब पैदा करें। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अवल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा फर्स्ट फ्लोर बिसाइड टॉप इन टाउन होटल मलकपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो मलकपेट हैदराबाद।